हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनर से बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने लिए हैं 1 किलो चावल, 500 ग्राम गुड़ और 1 कटोरी तिल सफ़ेद वाले और 1 कटोरी नारियल पिसा हुआ। और ये चावल हमारे 2 दिन से भिगे हुए रखे हैं। इनका हम अब जो है अनर से बनाएंगे, इसका पानी छान के सुखाएंगे इसे। इसके लिए हमने एक छन्नी ली है और इसमें कपड़ा डाल के इसमें पानी इसका पानी निकाल देंगे। उसे 3-4 घंटे के लिए हवा में सूखने देंगे। अब इन चावलों को हम 3-4 घंटे के लिए पंखे में सूखने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये 3-4 घंटे के लिए पंखे के हवा में सूखने के लिए रख दिए थे कपड़े फैला के, और अभी हमारे चावल सूख गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गए हैं, सूख गए हैं। अभी ना हम मिक्सी में पीसेंगे। अब आटा बनाने के लिए हम इसमें मिक्स में पीस लेंगे इसे। अब हमने मिक्सी में पीस लिया है, इसे छान लेते हैं आटे को। अभी जो मोटा मोटा रह गया है इसे दोबारा पीस लेंगे। और सारा इस तरह से पीस लेंगे। सारे चावल पिस जाएंगे। आटा हमारा पिस गया है और छान कर रख दिया हमने। अब इसमें थोड़ा तिल रोस्ट कर लेते हैं गैस ऑन करके। एक पैन रख के इसमें पैन गर्म करके तिल रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसमें कच्चापन ना रहे। इसे चलाते रहना है, धीमी आंच में से रोस्ट करना। ये 3-4 मिनट में तैयार हो जाएंगे, धीमी आंच में रोस्ट करने। तिल हमारे तैयार हो चुके हैं, ये गैस ऑफ कर दी। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब गैस ऑन करके हमें गुड़ को मेल्ट करना है इसे। थोड़ा इसमें पानी डाल लेंगे। आधा ग्लास पानी डालना है हमने इसे, बस गुड़ को मेल्ट करना। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है, अभी सब गैस को बंद कर देते हैं।
अब हम इसे छान लेते हैं, क्योंकि इसमें किरकल रहती है गुड़ में, गुड़ तो हमारा मेल्ट हो गया है, जिससे इसमें किरकल या तो कुछ ना रहे। जो कुछ होगा इसमें निकल जाएगा। अब हम इसमें ये गोला मिला देंगे, कसा हुआ जो पिसा हुआ नारियल है, मिक्सी में पीस लिया था हमने कसने के बाद। अब इसमें हम तिल भी मिला देते हैं, थोड़े तिल हम बचा लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुड़ मिला लेंगे, क्योंकि गर्म हो रहा है ना, ये गुड़ की जो चाशनी बनाई थी मैंने मेल्ट किया था, चाशनी तो नहीं बनाई, मेल्ट किया था। इसे बढ़िया करके मिला लें, मिक्स कर लेंगे इसे, और जैसा गूंथते हैं आटे तैयार करते हैं ना इसका, वो तैयार कर लेंगे आटा। आटा हमारा तैयार हो गया है। हम एक एक कढ़ाई लेके इसमें ऑयल चढ़ा के तैयार कर देते हैं, इसमें ऑयल चढ़ा के इसे गर्म हो जाएगा ये, और ये इधर बनाने शुरू कर देंगे। थोड़ा हाथ पे ऑयल लगा लेंगे। ऐसे बना बना कर रख लेंगे सब ये। अब हम तलना शुरू कर देते हैं ना। ब्राउन होने तक तलने हैं ये। धीमी आंच में तलने हैं। ये हमारा तैयार हो गया है। दूसरा भी तैयार हो गया।
अनट से हमारे बनके तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।